ये कक्ष कैसे खुल गया? कौन आया था यहाँ? कालचित्र यंत्र गायब हो गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब कैसे हुआ है? किसने किया है ये सब? मैंने तो ये कक्ष को जादू से बंद कर दिया था। समझ गई। ये सब उन परियों का खेल है। परियां यहाँ आई थी और कालचित्र यंत्र को लेकर चली गई। इसका मतलब उस गाल परी ने हमसे झूठ बोला कि वो यहाँ अकेले आई थी। हाँ, और उस पे विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब हम क्या करेंगे? हमें कालचित्र यंत्र को दोबारा ढूंढना होगा, नहीं तो हमारी सारी योजनाएं और हम सब समाप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं उस कालचित्र यंत्र को दोबारा हासिल करके रहूंगी। समझ में नहीं आ रहा है। एक आखिरी बार जादू करने की कोशिश करता, शायद जादू काम कर जाए। ए गाल परी, अच्छाई और सच्चाई को चाहिए आपका सहारा। भेज दो मेरे नीचे गुआरा। देखा गाल परी, मेरा जादू काम कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बाली, लेकिन ये हुआ कैसे? वो तो मुझे भी नहीं पता गाल परी, लेकिन अब मेरे जादू की मदद से हम इस तस्वीर से बाहर निकल सकते हैं। हाँ। हे पर्पल, करो कुछ ऐसा चमत्कार, चले जाए हम इस तस्वीर से बाहर। ये सब क्या हो रहा है? मेरा जादू फिर से काम नहीं कर रहा है। वही तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है बाली। जब हम हवा में थे तब हमारा जादू काम कर रहा था, और जैसे ही हम जमीन पर आए हमारा जादू काम नहीं कर रहा है। क्या कहा आपने? आप जब हवा में थे तो आपका जादू काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप जमीन पर आए आपका जादू काम नहीं कर रहा था। मतलब आप दोनों का जादू जमीन पर काम नहीं करेगा, लेकिन जब आप दोनों हवा में होंगे तब आप लोग का जादू काम करेगा। हाँ मैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। एक बार मैं कोशिश करके देखता। हाँ बाल्वी। देखा गाल परी, हवा में मेरा जादू काम कर रहा है, और इसीलिए अगर मैं हवा में रहकर जादू करूंगा तो हम सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। चलिए। हे आर पार परी, दिखाओ अपना चमत्कार, चले जाए हम इस तस्वीर से बाहर।
विस्तार पर गायनों ने दिया अच्छाई और सच्चाई को बहुत कष्ट और इसीलिए इनकी बनाई हुई बुराई की तस्वीर हो जाए नष्ट। विज्ञान परी, हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप इस रसायन का उपयोग डुबा डुबा एक पर कीजिए। विज्ञान परी, हमें ये तो पता चल गया कि इस रसायन का उपयोग करके हम बच्चों को फिर से खरगोश से बच्चे बना सकते हैं, परंतु हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इस रसायन से हम डायनों का अंत कैसे करेंगे। परियों, उसके लिए आपको एक चित्र खींचने वाले यंत्र की व्यवस्था करनी होगी, के बाद हम उसके ऊपर रसायन की कुछ बूंदे डालेंगे। फिर जब हम उस यंत्र से किसी डायन का चित्र खींचेंगे तो वो डायन धुआं बनकर उड़ जाएगी। विस्तार परी, आप तुरंत पृथ्वी लोक जाइए और ये काल विचित्र रसायन बालवीर को दे दीजिए। जी रानी परी। जी रानी परी। क्या हुआ, कुछ पता चला कालचित्र यंत्र का? नहीं मैडम काकली, हम लोगों ने हर जगह ढूंढा मगर कालचित्र यंत्र हमें कहीं नहीं मिला। गड़बड़ है, सब कुछ गड़बड़ है यहाँ। जायनो, मैंने सभी जायनों को एक जगह एकत्रित होने को कहा है। तुम दोनों जायने भी जाओ और सभी जायनों को एक जगह एकत्रित होने को बोलो। सभी जायनों से एक जरूरी बात करनी है। जाओ। माँ ने मुझे 200 रुपए दिए थे पूजा का सामान लाने के लिए। मैंने मैंने 50 रुपए की अगरबत्ती खरीदी और 20 रुपए का नारियल खरीदा और 30 रुपए का मैंने कपूर और कुमकुम दिया। तो मैंने कितना खर्चा किया? 200 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 300 खर्चा कैसे हो सकता है जब माँ ने मुझे सिर्फ 200 रुपए दिए थे? और दुकानदार ने मुझे 100 रुपए भी दिए। अरे मैं फिर मैच में गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, सारा हिसाब सही है। आपने 200 रुपए में से 100 रुपए खर्च किए और आपके पास 100 रुपए बच गए। सिंपल। कौन है? मैं हूँ, इधर देखो नीचे। खरगोश के पास मुझसे ज्यादा दिमाग है? लेकिन ये खरगोश कितना प्यारा है, लगता है किसी का पालतू खरगोश है। ये कैसे हो रहा है? तुम इंसानों की तरह कैसे बात कर रहे हो? तुम तो खरगोश हो ना, तो खरगोश की तरह बात करो। जैसे मैं रॉकी चाचू, इसलिए रॉकी चाचू की तरह बात कर रहा हूँ। रॉकी चाचू, मैं भी अमन शाह हूँ और अमन शाह के जैसे ही बात कर रहा हूँ। तुम इंसान हो? हाँ,
मैं एक बच्चा हूँ, पर किसी ने मुझे खरगोश बना दिया। उसने बोला स्माइल प्लीज और मेरा फोटो खींचा, बस फिर मैं खरगोश बन गया। है? फोटो खींची और खरगोश बना दिया? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, कुछ भी है। रॉकी चाचू, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो और प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें घर लेके चलूंगा और कुछ खाने को भी दूंगा। तुम गाजर खाओगे? हाँ गाजर खाऊंगा। ठीक है चलो। अच्छा शाबाश बालजी, हमें पूरा विश्वास था कि आप मेहर को सुरक्षित बाहर लाओगे। हाँ माँ, और अब हमें बाकी बच्चों को भी खरगोश से उनके असली रूप में लाना है और डायनो का अंत करना है। ऐसा ही होगा बालजी। ये देखिए बालजी, ये काल विचित्र रसायन, इससे आप बच्चों को अपनी वास्तविक रूप में ला सकते हैं और इससे डायनो का अंत भी कर सकते हैं। लेकिन बालवीर, इसमें एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या विजधार पर? बालवीर, ये रसायन बहुत ही कम मात्रा में तैयार हुआ है और इस रसायन को हमें खरगोश पर भी छिड़कना है, चित्र खींचने वाले यंत्र पे लगा के डायनो का चित्र भी खींचना है। विजधार परी, फिर ये तो बड़ी गंभीर समस्या है, अगर रसायन इतना कम है तो फिर ऐसे तो कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, बच्चे भी ठीक होंगे और डायनो का भी अंत होगा। इस समस्या का समाधान है मेरे पास। बालवीर, अगर बुराई का अंत करने में मेरा यह कैमरा तुम्हारे किसी काम आ सकता है तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। तुम इसे जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, काल विचित्र रसायन दीजिए। भाइयों, मैंने इस चित्र खींचो यंत्र पर काल विचित्र रसायन की कुछ बूंदे डाल दी। अब हमें इस चित्र खींचो यंत्र से सारी डायनो को इकट्ठा करके उनका चित्र खींचना होगा, जिससे वो सारी डायने एक साथ धुआं बनकर उड़ जाएगी। बालवीर, आप ये काम हम पर और भटकाती परी पर छोड़ दीजिए। पिछली बार डायनो का सम्मेलन हुआ था ने, उसमें तो सभी ने समो चित्र खिंचवाया था। मनिक, पर इस बार चित्र क्यों नहीं खिंचवा रहे? मनिक खबर न थी, बुद्धि सूट नहीं क्यों बे? सही कह रही हो तुम, इस बार कोई मजा नहीं आ रहा। जोसु, अरे तुम्हें चित्र खिंचाने की पड़ी है? मैडम काकली ने हमें यहाँ कोई बहुत जरूरी बात बताने के लिए बुलाया, ना कि कोई चित्र खिंचाने के लिए। इसको क्यों डांट रही हो? ये बेचारी की गलती क्या है? मैंने एक बात बताओ, अगर हम लोग का चित्र निकलेगा नहीं तो बड़ी दुनिया ने खबर किसे पड़ेगी कि हमने भी बच्चों को खरगोश बनाया है। लेकिन नहीं बहनों, तो बोलू तो बोल बोल। हाँ वही तो, सारी दुनिया में सिर्फ काकनी मैडम का नाम होगा और हमें हमें क्या मिलेगा? ठेंगा? अरे हम ज्यादा थोड़ी ना कुछ मांग रहे हैं। अरे अगर एक चित्र काकली मैडम के साथ खिंचवा दिया तो किसी के घर से कुछ जाएगा क्या? सोचो 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 बहन लोग, सोचो लो।
हमारे साथ तुम भी बड़ी शान से बोलोगे कि बच्चों को खरगोश बनाने में हम सब साथ में थे काकली मैडम के साथ, है ना? हाँ, बोलो बोलो मैडम। हाँ, ये दोनों ठीक ही तो बोल रहे हैं। हाँ, मुझे ना बिल्कुल इनकी बात बिल्कुल सही लग रही है। हाँ हाँ, हम सबके पास एक समोचित्र तो होना ही चाहिए। अरे, जब सभी डायने चित्र खिंचवाना चाहती है तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी खिंचवाऊंगी अपना चित्र। हलो हलो हलो, चलो चलो, हम सब साथ मिलकर बोलेंगे काकली मैडम को। हाँ हाँ हाँ, पर ये चित्र हम लोग खींचेंगे कैसे? अरे बीन, तुम टेंशन क्यों लेती है? मेरे पास है ना ये चित्र खींचो यंत्र। ए खींचे, तू बोल ना। तुम लोगों को यहाँ शोर मचाने नहीं बुलाया, समझे? मैडम काकली, हमें माफ करना, पर आपकी बात शुरू होने से पहले हम सब डायने चाहती हैं कि अगर आपके साथ हम सब डायने एक चित्र खींच लेती तो क्या? क्या बेकार की बातें कर रही हो? मैंने तुम सबको यहाँ चित्र खिंचवाने नहीं बुलाया है। हमें पता है काकली मैडम, पर हम सब डायनों की यही इच्छा है कि आपके साथ एक चित्र तो होना ही चाहिए ना। बस बस एक चित्र मैडम, सिर्फ एक चित्र। सबका दिमाग खराब हो गया है, जानती हो ना, हम सबकी जान खतरे में है। तो कालचक्र यंत्र नहीं मिल रहा और दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और इसलिए हम सबको यहाँ से तुरंत निकलना होगा, समझे? नहीं नहीं काकली मैडम, अगर हम भी यहाँ से चले गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बच्चों को खरगोश बनाने में हम भी आपके साथ थे। हाँ हाँ काकली मैडम, इसलिए एक चित्र तो आपको हमारे साथ खिंचवाना ही पड़ेगा। बेवकूफ डायनो, जल्दी करो, लाओ, कहाँ है तुम्हारा उस चित्र खींचने वाला यंत्र? काकी मैडम, ये है वो यंत्र